गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई ट्रिप शुरू हो चुकी है और ये है कसोल जाने के लिए। पहुंचा हूं सेक्टर 43 बस स्टैंड पर और यहां से बस लेके पहुंचूंगा मंडी और वहां से अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन करूंगा अगली ट्रिप के लिए। ये दोस्तों 410 रुपए की टिकट है, ये है काउंटर नंबर 18 और 19। यहां से मिलेगी आपको टिकट। शिमला की बसेस भी आजकल सेक्टर 43 से चल रही है। ये है वो बस जो निकल रही है जाने के लिए। मंडी द कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसे जाना जाता है वाराणसी ऑफ हिमाचल या फिर छोटी काशी के नाम से, क्योंकि भूतनाथ, त्रिलोकीनाथ, पंचवक्तर और भीमाकाली जैसे 81 पुराने मंदिर यहां पर मौजूद हैं। मंदिरों के आर्किटेक्चर, ओल्ड प्लेसेस और रिच ट्रेडिशन की वजह से मंडी को अक्सर कल्चरल कैपिटल ऑफ हिमाचल कहा जाता है। मंडी व्यास नदी के किनारे पर स्थित है जो घिरा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। मंडी शहर की चंडीगढ़ से कुल दूरी है 182 किलोमीटर और दिल्ली से 427 किलोमीटर। रोपड़, बिलासपुर और सुंदरनगर से होते हुए आप यहां पहुंच सकते हैं। ये है मंडी का बस स्टैंड मेरे सामने और टाइम हुआ है 4:15 का। मैं पहुंच चुका हूं मंडी। टोटल खर्चा बस में है 410 रुपये और टोटल टाइम लगा मुझे करीब करीब 8 घंटे की जर्नी है। मंडी को हिमाचल का काशी कहा जाता है। एयरटेल का ये ऑफिस यहाँ अभी तक है। इसी ऑफिस में मैं पहले आकर कभी ट्रेनिंग करता था जब मैं एयरटेल में जॉब कर रहा था। और ये है यहाँ का मशहूर इंदिरा मार्केट। इसके पीछे जो आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ का पैलेस होटल है, जो पहले राजा का महल हुआ करता था, जिसे अब आप होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये इस तरह के चारों कॉर्नर पर एक गेट बनाए गए हैं, इस गेट से आप एंटर करके जाते हैं मार्केट में। इंदिरा मार्केट के परमिसेस में एक मंदिर बनाया गया है जो बहुत पुराना है। सामने सीढ़ियाँ देखिए कितनी अच्छी लगती है, उस एक दरवाजे के साथ और उसके बिल्कुल पीछे पैलेस होते हैं। के सामने प्लेटफॉर्म की तरह है जहाँ रामलीला होती है और लोग इन सीढ़ियों पर बैठकर उन सबका आनंद लेते हैं। इंदिरा मार्केट से निकलते हैं, थोड़ा सा चूर चूर के आप पहुँच जाएंगे यहाँ जहाँ पर ये गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है और इस तरफ है ये रास्ता जाने का ताज महल पैलेस में, इनके पैलेस होटल में। मेरा ये फेवरेट जगह होता रुकने का, आपको सच में यहाँ आकर के किसी राजा की तरह आप महसूस करते हैं। मंदिर हर तरफ
हरियर से बड़ा रंग बिरंगा सा मंदिर है भाई। इसे इसलिए हिमाचल की काशी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे इस तरह के मंदिर हैं। खूबसूरत सा मंदिर, ये खास तरह की पत्थर की ईंटों से बनाए गए मंदिर हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बैजनाथ का मंदिर भी कुछ ऐसे ही बनाया गया है, इसी तरह के ईंटों का प्रयोग करके बनाया गया। और बैजनाथ मंदिर जो पालमपुर के पास है, हमारे 60 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जबकि हम 12 को ही मेन ज्योतिर्लिंग मानते हैं। टकरा के जाएगा। एक और मंदिर है किसी संगम की जगह पर, पहाड़ की गोद में बसा एक खूबसूरत सा मंदिर। इसे ये इसी तरह के रॉ लुक में रखते हैं, इसको पेंट नहीं करते हैं। बैजनाथ मंदिर पे भी किसी तरह का पेंट आपको नज़र नहीं आएगा। और ये है खूबसूरत सा व्यू मंडी, काशी और हिमाचल प्रदेश का। मैं पहुंच चुका हूं विक्टोरिया ब्रिज, तो मेरे एग्जैक्टली बैक हैंड साइड पर है, यहाँ से है वहाँ जाने का रास्ता। चलिए आपको विक्टोरिया ब्रिज की सैर कराते हैं। मिरेकली आर्किटेक्चर मेड बाय ब्रिटिशर्स। सामने ये जो रास्ता जा रहा है, ये जाएगा जोगिंदर नगर, और ये विक्टोरिया ब्रिज क्रॉस करके आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर। वक्त हो चला है शाम के 5 बजे, मैं और मेरे 3 और दोस्त निकल चले हैं कसोल घूमने के लिए। तो कैसा है कसोल का ट्रिप, हम कहाँ रुके, और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी अगले एपिसोड में। So finally we are in. Finally, सवेरे 8 बजे का निकला हुआ, अब रात को 8 बजे। हाँ, रात के 8 बजे नहीं, 9:15 बजे। 3 आवर्स दादा, आपका रूम खुला हुआ है। ये था कसोल सीरीज का पहला एपिसोड, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।